अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिली पटाटो। चिली पटाटो बनाने के लिए मैंने चार आलू लिए हैं, जिनको मैंने पील कर लिया है और टुकड़ों में काट लिया है। इनको हमें लंबे पीसेस में ही काटना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक रेड कैप्सिकम, जिसको कट कर लिया है। ग्रीन कैप्सिकम, इसे भी कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी कट कर लिया है। कुछ बीन्स लिए, इनको भी कट कर लिया है। ग्रेवी के लिए लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 8-10 कलियां लहसुन की, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, दो छोटी हरी मिर्च, इनको भी बारीक कट कर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, टेस्ट के अनुसार नमक, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पटेटो बनाना। चिली पटेटो बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू में कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं। टेस्ट के अनुसार नमक मिलाते हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अरारोट को हमने आलू में मिक्स कर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है फूड कलर डालने के बाद। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख ली है और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू के पीसेस डालेंगे। धीरे धीरे डालना है हमें। गैस हमें मीडियम रखनी है। आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन आलुओं को निकाल लेते हैं। अभी हमें आलुओं को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, क्योंकि हमें इन्हें दोबारा भी फ्राई करना है। इसी तरह से आप अपने सभी आलूओं को फ्राई कर लें। तो मैंने सभी आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। हमने सेम ऑयल लिया है वही। अब हम उसमें दोबारा इसको फ्राई करेंगे आलूओं को। सेकंड टाइम फ्राई करने से आलू बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने रहते हैं, वरना ये सारे सौगी हो जाते हैं। गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने गैस पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। सभी सब्जियों को डाल देंगे।
साथ में प्याज भी डाल देंगे। एक मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च कटी हुई और लाल मिर्चें कुटी हुई डाल देंगे। इनको भी मिला लेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप, और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं विनेगर। विनेगर डाल देते हैं। सब्जियों को हमें गलाना नहीं है, ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम जो हमने आलूओं को फ्राई किया था। चलिए अब डिश आउट करते हैं। तो चिली पटाटो रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको चिली पटाटो की रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।